तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ क्या हुई थी। तो एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पॉपुलैरिटी के ऊपर मतलब स्कैम वगैरह चल रहा था मेरे हिसाब से, मैंने उसको क्लियर किया था कि ये मुझे गलत लग रहा है ना। तो मैंने इतनी सी बात बोली कि मुझे गलत लग रहा है और मैंने कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसके बाद मुझे धमकी आती है डाकू की तरफ से, धमकी नहीं आती सीधा, सबसे पहले डाकू मेरे से बात करने के लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के पास जाता है जो उसको जानते थे, जैसे क्रिएटिव पवन ने उसकी प्रमोशन की थी डाकू की, तो क्रिएटिव पवन के पास गया या नहीं गया मुझे नहीं पता, बट डाकू गया पहले क्रिएटिव पवन के मैनेजर